अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसा रहदे पे वसेब दी आवाज़ ते मैं हां तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज दे प्रोग्राम विच असां गल करे सूं चाइल्ड प्रोटेक्शन दी, जिहड़ा कि शहर दे विच मुख्तलिफ मकामात ते जिहड़े भिखारी माफिया है पिया उन्हां को रेस्क्यू करे सन, जिहड़े नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिहड़े ग्रो उन्हां को ई गलत सरगर्मियां दे विच घेन के आंदा है। असां उन्हां को अज उन्हां दे नाल ऑपरेशन करे सूं, रेस्क्यू करे सूं, क्योंकि माह रमज़ान दे महीने दे विच भिखारी माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म थी वेंदा है, नन्हे बच्चियां को ई काम दे उत्ते गलत काम दे उत्ते ला वेंदा है। तमाम तर चीज़ा असा जानसूँ ई प्रोग्राम दे साडे नाल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दे तर्जमान भी हो सन, तमाम तर ई महकमे दे लोग भी हो सन। असा दिखासूँ किवें ए लोग रेस्क्यू करेंदे नन्हे बालकों वल, किवें ए इतां अपने ऑफिस घेन के आंदे, किवें उन्हां दी देखभाल करेंदे, तमाम तर चीज़ा जानने वास्ते तुसा प्रोग्राम विच ए तमाम तर चीज़ा जानसो। असा हुण अगू चलदे से ते ई ऑपरेशन दे बारे विच, ऑपरेशन जी किवें शुरू थींदा है, किवें रेस्क्यू कीता वेंदा है, ए तमाम तर चीज़ा देखदे से ते नाल ही उन्हां नाल गल करदे से। चलदे जी, बिल्कुल जिवें असा गल करें पैसे रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो साढ़े नाल तर्जमान मौजूद हैं पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के नवीद। असा इन्ना कने जानते से कि किवें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं, अच्छा तुम थोड़े मुक्त से सब दसो कि इतों टीम जी वहदी पई है, हूँ क्या अगला स्टैप सा क्या हो सी? जी बिल्कुल, साड़ी टीम जिम्मे तो साढ़े दे पे हम निकलती पे रेस्क्यू वास्ते, टाइम इो जी है हूँ असा मेन जी मार्केट है उन्होंने चक्कर ले सूँ, इन टाइम जो बैगिंग करे बच्चे बहुत ज्यादा मिल वैसे सबको, इंशाला सौ निकलते पे हैं तो साढ़े नाल हो सो डेख सौ जो बच्चे बैगिंग मुलवस उन्होंने को रेस्क्यू करे उन्होंने को घेना सूँ, वाल अफतारी का टाइम थी वैसे उन्होंने को इंशाला अफतारी करवे सूँ, पूरा अगे वाल तो देख के चल सो जिम्मे हो सी। बिल्कुल, तमाम तर प्रोसीजर असा दिखाया सूँ किवें जो भिखारी माफिया है वो किवें इन्हों दीवारों के सरगर्म आता है, तो निके निके जे बाल इन पे जिंदा उत्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, किवें लोगों कने भीख मंगते हैं, तो अज उन्हों को रेस्क्यू करे सूँ, रेस्क्यू करके असा वालदैन कने भी रिक्वेस्ट करेंदे थे कि अपने बालों के उत्ते कड़ी नज़र रखें। दूजा ई भिखारी माफिया ई जरा पेशा बन चुका है, इंदे उत्ते जरा ये पिया वो खसूसी तौर पर जरा नज़र रख के ईको खत्म करने इन्हों का साथ देवन, तमाम तरह चीज़ा जानसू अगू भी चलते थे तो मजीद गल कर। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जरा जारी है, पर चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले डिपार्टमेंट जरा रेस्क्यू करें पे एक बच्ची जरा है पकड़ी, क्योंकि बच्चियों का इतना ना होवन की वजह नाल जरा कि कैम के वास्ते कोई इंतजाम ई पारू जरा है ना, इन्ना को रेस्क्यू सिर्फ जाना करके इतें ही इन्ना को दसिया वह वार्निंग दी वी है, इन्हें उत्ते गल कर गिंदे से कि बच्चियों को क्यों नहीं रेस्क्यू किया वह या ए क्या क्या ये जी तुम रेस्क्यू करें पे वे क्या ये किसी ग्रोह का हिस्सा है या किमें पिया? मुल्तान ने सही ऐसा ग्रोह तो कोई नहीं, मुल्तान ने फैमिली बच्चों को खुद बैगिंग वास्ते भेजे ने, बच्चों का साड़ा हाल ही है कि साढ़े को हॉस्टल कह नहीं, बच्चों का स्टाफ कोई नहीं वास्ते, सिर्फ बच्चों को मार्केट आकर अवेयरनैस कंपेन कराने हैं, इन्हों को थ्रैट कराने हैं, रिमूव कर देने हैं, जो 15 साल तो बिलो बच्चे हैं उन्होंने को रेस्क्यू करके अपने इदारे गिन पेने हैं। बिल्कुल, मैं बच्ची नाल गल करे सा, अच्छा तुसे दसो क्यों तुसा ए जड़ा है ना मंगदे क्यों है पिंदे क्यों है? अंकल मारे ऊपर गुर्बत इसलिए मांगते हैं। अच्छा नहीं तो कौन आखदा है कि तुसा जे है ना पैसे मांग के आओ? हम खुद देते हैं। माँ पियो क्या करें देन? पापा कमाने जाता है फिर हम इधर आ जाते हैं। कितने बहन बिराई हुए तुसा? पांच। सारे इतना ही यो मांगदे बहन? मैं अकेली आती हूँ। बाकी क्या करें देन? घर रहते हैं। हैं? घर रहते हैं। कितना घर कितना थोड़ा? बाईपास पे। बाईपास दे उते जड़ा है ना घर है पिया, असा जे ना कैंपेन जड़े करें दे पे ना सही ना करने जाने। अच्छा ऐसी बच्चियों के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? हम लोग इन बच्चियों को ना इनको पहले तो अवेयरनेस देते हैं कि ये जो है भीख मांगना कानूनन जुर्म है, आपने भीख नहीं मांगनी, और देखें जैसे बच्चे खुद बता रही है कि मैं अकेली आई हुई हूँ, बेशक इसके घर वाले भी आए हुए हैं, इधर कोई नहीं है, बच्ची थ्रेट में ऑन स्ट्रीट है कि बच्ची के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है, तो इसलिए हम फौरी तौर पे क्योंकि बच्चियों का हमारे पास इदारा नहीं है, इधर हम सिर्फ मेल बैगर्स जो हैं ना बच्चे उनको 15 साल से कम उम्र बच्चे उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, तो लड़कियों को हम सिर्फ वार्निंग एक देते हैं और उनको उधर से रिमूव करवाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इधर से जाएँ और आइंदा आप हमें मांगते हुए नज़र ना आए, अगर आए तो यानी कि एक धमकी जिसे थ्रेटन कहते हैं उसे करते हैं, वार्निंग दे रहे होते हैं लेकिन इनको रेस्क्यू नहीं कर सकते। अभी हमारा अपना इदारा बन रहा है, इंशाल्लाह वो बन जाएगा तो उसमें लड़कियों का हॉस्टल भी होगा तो तब इन बैगर्स बच्चियों को भी रेस्क्यू किया जाएगा। बिल्कुल, इदारा बनने तो बाद जाए ना बाल जड़ी हैं पे बच्चियाँ जड़ी हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। अगू चलते से मजीद भी इवें ऑपरेशन के हिस्सा कहते थे तो तमाम तरह चीज़ें देखते थे कि किवें बाल जड़ा है पिया ये करेंदे भीख मंगते इन पे, ये बहुत ज़्यादा जरा ना मुल्तान बाजार के
मुख्तलि मकाम इकबाल जो है इन पर भीख मंगते हुए दिखाई देते हैं। ये पूरा माफिया है पिया, इन माफिया को बेनकाब इंशाल्लाह असा करेसूँ तो तमाम तर हकाइक जरा है तो आपको दिसेसूँ कि किमें ये लोग निके बालों का सहारा गिन के ई घरोने का जो काम में पिया इन कहते चलते से अगू तो मजीद भी गाल करें। हाँ जी बिल्कुल, छोटी बच्ची देखो इनकी उम्र देखो तो किमें मंगती पई है पींदी वधी है, इनका ना क्या है ना जानते क्या ना है तोड़ा? आसमा। अच्छा ये दसो कि कितों तुसा जाए ना ये बहन क्या क्या मंगते पे हैं? 10। क्या मंगते पे हैं? 10। बिल्कुल ये कारोबार है पिया लोगों का, ये बिल्कुल जड़े हैं पे इवें ही तमाम तर चीज़ा चल दियां। ये रेस्क्यू एक जाना लड़का थी गया असा इन्ना कने जानते से कि किवें जाना जो रेस्क्यू थी है क्या ना है कितों किवें थोड़ी साइड पर आ वो ताकि ट्रैफिक जो है ना ब्लॉकेज का भी कोई भी इशू ना हो। असा जानते से क्या ना है बेटा? अली रजा। क्यों कितना नाम दे वैसे घर कितना है? इबले सिला जुगियों में रहते हैं हम। अच्छा इतना क्या करना है काम कर क्या काम करें दे पे? ये बेचते हैं वो भी बुक है। अच्छा ए दसे सो के ए जो है ना कौन तोड़े तुसा ए दसे सो के क्या ए बुक्स वेचन ए चीजा क्या ए बैगिंग दे वेचन दा है या नहीं? पीडीएनसी एक्ट अमेंडमेंट 2017 उनके मुताबिक जड़ी शेक के 36A भी कोई भी आर्टिकल्स तुसा सेल करें दे करसो बैगिंग के जुमरे शुमार थी सी जी वास्ते ही पीडीएनसी एक्ट की रूह के मुताबिक अस बच्चों को बिलो 15 रेस्क्यू कर सकते हैं। ये नेगलेक्टेड बच्चे ऑन रिस्क इन स्ट्रीट तो इनको अस इदारे गिन वैसू इन को बेहतर सहूलियत फराम करेसू। अच्छा ये दसो कि ये जो बच्चा है पिया हूँ इनको रेस्क्यू करेंदे पे वे तुसा अगर रेस्क्यू करेंदे पे वे तो इन वन किवें इनको ट्रीट करे इनको सही जिमें मौके से साढ़ों चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है इनको रेस्क्यू किए इन मौके से इदारे गिन वैसू इनको अच्छा अच्छे कपड़े देसूँ अच्छा खाना देसूँ अच्छा इनको रैश देसूँ वहाँ पे सिस्टम में एक पूरा प्रॉपर उतने एक सेंटर है साढ़ा जिते बच्चों का मुनासिब देखभाल अच्छा खाना रिहायश दीनी तालीम दुनियावी तालीम तमाम तरह की सहूलियात इदारे सेंटर में। बिल्कुल अस आखसूँ कि इन को रेस्क्यू करें इन को जो है ना ये दिखावन कि किवें जो है ना ये तमाम तर चीज़ा थन्दियाँ पे कितने जो है ना ये आंदियां किवें इनको रेस्क्यू किया वादा ये लोग जोड़ा है पिया ये मुआशरे का बिगाड़ पैदा करने वाले इन पे ये किवें करें पे पुलिस महकमा तमाम डिपार्टमेंट जोड़ा है पिया इको ये करेंगे ये लोग हैं पे जोड़ा कि बिगाड़ पैदा करेंगे इको रेस्क्यू कर दिया गया है इको अगू वन के तमाम तर जो है ना चीज़ा करे सन इको गेंद झूल सन सेंटर के वालदैन मुलविस हैं पे ये कोई एक ई बाल का कसूर नहीं ये वालदैन का कसूर है जोड़ा कि अपने बालों को एक रोज़गार दे आड़ दे जोड़ा है करें जिमें उन्हें दसिया कि किमें इको एक्ट लगता है किमें इको लगता है तमाम तर चीज़ा कीतियाँ इवें ही अगू मजीद चलते से असा दिखाते से कि किमें बालों को रेस्क्यू किया वादा। जी बिल्कुल अगर गाल करूँ असा जरा चाइल्ड प्रोटेक्शन अज वेलफेयर ब्यूरो अज ऑपरेशन करें पे है पिया एक होर बया जो भिकारी है पिया उ रेस्क्यू किया गया क्या ना है इंदा किमें है पिया असा इंदे नाल ही गाल करें कि ये किमें करें। अच्छा तू क्या ना है तेरा? हसन बास। किमें केड़ी शै मंगदा इवें लोग? पैसे मंग रोटी खानी बुख अगर दे दे लेना। नहीं तू डेली इतना आके रोटी खावन वास्ते आंदा है? हां डेली आता है। नहीं डेली आंदा है के तेरा भरा माँ प्यो ओ किथे? मेरी मम्मी फोत हो गई है। प्यो किथे? जंग रांदे। जंग रांदे? हां नहीं इतना की करे रांदे? मैं कल्ला रांदे। नहीं कल्ला आके रात दा किथा सम नहीं क्या है भैया? डरा फेरी रांद फेरी माल चुकदा है। माल चुकदा माँ वाला आख दे के माँ मेरी जे मर गई है वाला आख दे माँ प्यो करे ना नहीं माल चुक माल चुकदा है। अच्छा इको रेस्क्यू किया वेंदा पे इको घिन के वंजे वैसे हुन चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस विच वाल इंदे जेड़ा है ना मुकम्मल तौर ते प्रोसीडिंग हो सी इको जेड़ा है ना जे ना करे से ब्रोशर भी इथा तकसीम किते वेंदे पे के किवें जेड़ा है ना बाला नाल ए प्यार किंदा है ई रेस्क्यू तमाम तर चीजा दे उते ए है पिया हुन इको जेड़ा है ना रेस्क्यू करे से घिन के वैसे इको रोटी रोटी तक उथा वन के खवैसन तक हर चीज कर नहीं हर चीज जेड़ा ना थी ए आदि लोग इन पे ए ई पारू जेड़ा ना ए तमाम तर चीज है इवें ही ए सिलसिला जेड़ा ना जारी रासी असा अगू भी चलसूं मजीद भी गाल करेसूं कि ए किवें भिकारी माफिया जेड़ा है
सरगर्म है मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चलते उसे अगू तो मजीद भी जरा है ना गाल करें से अज बिल्कुल असा गाल करें पे अब भिकारी माफिया के उत्ते मुल्तान में किमें बाल जड़े हैं ग्रो सरगर्म है इवें ही पंफलिट तकसीम जो अवेयरनेस सैशन है पिया ये अवेयरनेस सैशन भी किया वाला जिमें बालों को रेस्क्यू किया वाला है इवें तमाम तर जीज़ा इवें ही करेंदे पैन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है ना तमाम कार्रवाई की जाती है इवें ही यह सिलसिला जोड़ा है ना वो जारी रहा है इवें ही चीज़ा चलदिया रहा सन असं अगू भी चलसू तो मजीद भी इन उत्ते गाल करे सूँ जी बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन के जरिए तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भिकारी माफिया जो बाल इन पे उन्होंने खिलाफ जारी है पिया इन वेल ब्रेक का वेला थी गया ब्रेक तो बाद वाल आ दी तू तो मजीद भी दिखा सू किमें लोग भीख मंगते हैं किमें इन के खिलाफ ये इदारा जोड़ा है पे बालों के तहफुज देवन वास्ते इन्हों को रेस्क्यू करें वाल इन सेंटर घिन के इन्हों किमें इन्हों की देखभाल दी है अगू चलते रहे मजीद भी इन गाल करें से वेलकम बैक नाज़रीन तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ तुहाड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक अज्ज दे प्रोग्राम में असा गल करें पे भिकारी माफिया जिहड़ा कि रमज़ान शरीफ के महीने में जो बाल है निके निके घर तो निकलन दे मुख्तलिफ जुगी आले थी गए दूजे थी गए वह किमें लोगों को तंग करें दे लोगों को जिच करें दे कि साकू अल्लाह के नाँ से पैसे दे ये तमाम तर सिलसिला किमें जारी होंगे किड़े इन पिछू अजाइम इन पे लोग इन पे असं वो भी जानते पे थे असा रेस्क्यू जे अज हमने जाल किए ना असं इन्हों ना गाल करें थे कि ये किमें देख दिन गया तुसा ये दसो कि जोड़ा ये पिया किमें जोड़ा ना अज कितने दीवार थी गिनते को कम करें नहीं आखिर किसने तो किताबा गिनवा दी हैं कापियां गिनवा दी हैं किवें ये जेड़ा ना दसें मेरे मासी का लड़का था उसके साथ ही आया वो ही मेरे को आया आज ही आया मैं तो बिल्कुल रोवन दी कोई नहीं तो को ये बेहतर चीजा देसन उता तो को पढ़ासन तमाम तरह चीज जग्गी है मैं आपको दिखा दे तो मेरे को आज ही आया मैं अभी भी चढ़ जाता हूं आपके सामने दोबारा इधर देखो आप मेरे को पकड़ लेना बिल्कुल इवें ही है हुन इना को रोवना धोना याद जरूर आंदा है पहले इया लोग जड़े हैं पे लोगों को जेज करें देन तमाम तर चीज़ा करें देन अगू असा मजीद भी तो ऑपरेशन दिखाएसूँ कि किमें ये ऑपरेशन किया वह किमें जारी है पिया चलसूँ मजीद भी जी बिल्कुल असा जो ऑपरेशन करें पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाल मिलकर मुल्तान दे वेच भिकारी माफिया जरा राज करें दी है ये छोटे छोटे बाल जड़े उन्होंने आड़ दे चीज़ा की वैंदियाँ इन्हों के पिछू माफिया आंदा असा पहले इन गाल करें से कि किमें करें क्या ना है तेरा जानू क्या ना है जानू ए कितना आंदा है अतल ना नमूद कितने दीवार थी कन कितने अरसे तू या मंगदा वदाई मैं मंगे ही गान एक रुपए नहीं मंगा क्या करेंदा वदा में मैं मंगदा गान नहीं होता मैं भी उधर आंदा नहीं आखिर कोई शायद करेंदा पिया उसे ना मंगदा नहीं जदा क्या करेंदा वदाई मंगदा के मैं गड्डी साफ करन वाले पैसे उन देंदे कौन नहीं आदे गाड़ी साफ करने वाला पैसे उड़े देन होते को वाले पैसे उन देंदे कौन नहीं आदे माँ प्यो क्या करें दें तेरे ओ गुब्बारे बेच दे आ गुब्बारे बेच देना गुब्बारे बेच देन बाल उन ना तेको ई काम दे उते लाड़ी दे मैं वालों की काम करें दे गा नहीं पहलू आ वालों की आज दी दे मैं पहलू आंदे ही कोनी मैं आज जान दे बियारा अच्छा ए डस के जेड़ा है ना कदे स्कूल गया ही में कह ना स्कूल तेरे बहन बिरा कोई भी स्कूल आज तक नहीं गया कह ना अजी वेंदे कोनी आदे बिल्कुल ये हाल है कि कदे तक इन्होंने स्कूल का अज तक रुख ही कह नहीं किया माँ प्यो को सोचना चाहिए है कि इतनी वड्डी उम्र के आवन तो बाद भी ये जो है ना हाल है कि अज तक उन्हें स्कूल नहीं देखा इवें ही जो है ना ये तमाम तर चीज़ा जारी मौजूद इन पे अज के इंचार्ज इन पे रेस्क्यू दे असं इन्ना कि नहीं जानते थे अच्छा मैडम ये दसेसो कि ये बाल हूँ रेस्क्यू किया इनका क्या करे सो असा क्या सेंटर गिन के वैसू या कोई थी ड्रॉप करना नहीं नहीं इसे हम अपने इदारे में ले जाएंगे सेंटर में उधर इसको सबसे पहले यानी कि इसको नहलाएंगे नए कपड़े देंगे उसके बाद इसके खाने पीने का इसकी रिहाइश का फिर का दूसरे दिन यानी कि इसकी कस्टडी वगैरह का कोर्ट के जरिए वो हम लेते हैं अच्छा इंदी क्या मुकम्मल प्रोसीडिंग थी सी इंदे वालदैन के हवाले करने बाद जी बिल्कुल मुकम्मल प्रोसीडिंग होगी इसकी इसके यानी कि रियल पेरेंट्स में से माँ या बाप में से या कोई सगा भाई जो है वो आएंगे और उनके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी के साथ हम उनको यानी प्रॉपर अपनी सेटिस्फेक्शन और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के बाद और उनको वार्निंग दे के कि आइंदा ये बच्चा हमें रोड पे नज़र ना आए और भीख मांगता हुआ या कोई भी ऐसा एक्ट करता हुआ कि जिससे बच्चा ऑन स्ट्रीट हो और किसी वो जो है रिस्क में हो
अगर होगा तो फिर वो पेरेंट्स पे गिल्टी होंगे इस चीज़ के लिए। अच्छा कोई बाल बार बार दोबारा मार्केट में नज़र आंदा है मंगते हुए तो ये दसो कि क्या वालदैन के उत्ते भी कार्रवाई थी बाल जब ज़्यादा बच्चा एक जो है ना ज़्यादा दफ़ा आ रहा है फिर वालदैन के ऊपर हम करवाते हैं। हमें होता है वालदैन को यानी कि हम बच्चा जो है ज़्यादा दिन अपने पास रखते हैं उसको कह देते हैं कि हम बच्चा अपने पास रखेंगे अगर आप अपनी इसको जो है ना सही तरीके से इसकी परवरिश नहीं कर सकते इसकी देखभाल नहीं कर सकते तो फिर जब ज़्यादा वो फिर कर दें कि काफ़ी अर्सा यानी महीना भी रख लेते हैं दो महीने भी रख लेते हैं फिर जब वो मुकम्मल हमारे पास इस गारंटी के साथ इस श्योरिटी के साथ आ जाएँ कि हम बच्चे को अब दोबारा नहीं भेजेंगे फिर हम उनसे एक जो है वो करवाते हैं या स्टाम्प पेपर वगैरह जो है ना वो साइन करवा लेते हैं तो वो फिर आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ फिर उसके तो वर्थ है स्टाम्प की। बिल्कुल इवें ही रेस्क्यू की अगर मेरा कैमरामैन दिखावे कि किवें पिछू सारे भिखारी माफिया के मुख्तलिफ अंदाज इन पे मुख्तलिफ रुख इन पे ये रोज़ाना की बुनियाद के उत्ते इवें ही मंगते हैं सिर्फ मुल्तान में अगर खवातीन का बच्चिया छोटी बच्चिया का अगर सेंटर बना दिता वे तो इन छोटे बालों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन करके एक अच्छी जिंदगी गुजारन के उत्ते मजबूर किया बन सकता है। इन्हों के वालदैन को दसा जाए वालदैन ज़्यादातर बालों को छोटी बच्चियों को ही पर गिन के आते हैं क्योंकि रेस्क्यू उन्हों को नहीं किया सिर्फ अवेयरनेस दी जाती है। हूँ ये बाल है पी इकू मैं अक्सर कि इकू गिन वन किमें इकू तमाम तर प्रोसीडिंग जाना दिखाते हैं ये हूँ इकू जरा अंदर बिलैसन इवें ही है पिया ये असा मजीद भी इवें रेस्क्यू करें दे पैसे ये मजीद इवें रेस्क्यू थी सी ये तमाम तर इवें ये तोड़ा बच्चा है जी अखबार असा तुसा ये दसो कि क्यों इंदे कोनो ए अखबार विच ना थे या थी आ मंगदे ही कोने बच्चे मंगण वाले कोने दूसरे बच्चे मंगदे नहीं ये दसो कि तोकु पता कह नहीं कि इतने छोटे बाल नाल गुब्बारे विच आवन या कुछ भी करवावन ये जुर्म है पिया जोर गड़ जाए बंदा मंगे भीख मंगे तो वाल तो बंदा आते चलो वाल तो जाइए है हम रोजी जरा बंद करो बच्चे खवाने चाहिए रोजी रोजी जरा है पिया कोई चीज तरीका होंगे तुसा आप कमेंदे पे आप तुसा गुब्बारे बिच पे वाल इतना छोटे बाल को क्यों छोटा बच्चा तो कौन है बच्चा छोटा तो इतना बच्चा वाल तो बंदा आता ठीक है निका बच्चा छोड़े गए पे भाई नहीं क्यों आखिर इतना मजबूरी कहड़ी शायद ही है तो चाचू हूँ अभी तो हम बच्चे करते तो बच्चे खवाना हूँ इतनी कितू खाइए गरीब बंद गरीब बंद ताजी करते ताजे बच्चे खवाने रोटी पानी अभी कितू खवाइए हूँ घर बैठ तो खवाइए बच्चे कितों कोई घर बैठ तो कोई सू दे जाएंगे पैसे पा बिल्कुल इवें ही वालदैन जरा है तमाम तर जरा अपने बालों को आखते हैं कि गरीब बच्चा है छोटा बच्चा है मगर रोज़ बच्चे जरा सड़क सड़क के उत्ते नजर आते हैं इवें ही मजीद भी चल सूँ तो मजीद भी ऑपरेशन दिखा सूँ कि बालों को रेस्क्यू किया जाए चलते से अगू तो गाल करें। जी बिल्कुल असा रेस्क्यू ऑपरेशन करें दे पैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम नाल मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकाम जड़ा भिखारी माफिया है वह किवें सरगरम है खास तौर पर जो निके बाल इन पे वह किवें ये तमाम कंपेन को गिन के चलते हैं किवें मंगते हैं लोगों को जेच करेंगे वालदैन आप मजबूर करें दे उन्हों को मंगन पिन्हन के उत्ते इवें ही रेस्क्यू जल किया इन्हें रेस्क्यू असा इंदे कने पूछते से कि क्या करें किवें है पिया ये इंदी तमाम तर चीज़ा किवें बल्कि दू त्रै होर भी इतना हाथ आ गए घंटा घर से इंदा मतलब है बहुत ज़्यादा बहाल आते हैं असा सारे जो है भिखारी माफिया इन पे ये भिखारी सारा तमाम तर चीज़ा इवें ही करें ये मंगते पीते हैं ये क्या करें देन असा इन्ना 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 कुछ जानते थे कि ये तमाम तर कि नवीद भाई इन साढ़े नाल तर्जमान इन पे चल पा इन्ना करना चाहते नवीद भाई तुम दसो कि घंटा घर क्या कोई हॉट स्पॉट है पिया जी बिल्कुल घंटा घर जिम्मे तो आपको पता है मुल्तान शहर का मरकज है ते ते भिखारी माफिया काफ़ी होने जो छोटे छोटे बच्चों को पिनवेने वो साढ़ा डेली शेड्यूल असा घंटा घर लाजमी चेक कर लेने इतने डेली बेस से अस बच्चे रेस्क्यू कर रहे हैं अब शाम के टाइम भी सवेर के टाइम भी दोपहर के टाइम भी लोगों का अवेयरनेस भी देने कि भिखारी माफिया के पैसे इन्होंने अगर तुम मदद करना चाहते हुए तो सिर्फ तुम 1121 कॉल कर दो इन्हों को पैसे ना दो अगर तुम इन्हें पैसे दे सो तो इन्हें तो मदद नहीं करते बल्कि इन्हों को आदि बने पे तो पिन्हण दे तो अगर तुम इन्हें बच्चे की मदद करना चाहते हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 कॉल करो साड़ी गड्डी आसी बच्चों गिनवे सी नवीद मुख्तार हैं साढ़े नाल चाइल्ड प्रोटेक्शन के जरा एन पी सा बच्चा इन्हें कहने थोड़े पुज गए हाथ में चिंगारी चाती हुई क्या ना है तेरा मुजफ्फर मुजफ्फर कितना ना आंदा इवें मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फरगढ़ है इतना क्या करना आई तू
इधर साला प्यूमा बीमार है। क्या है? प्यूमा बीमार है। नहीं प्यूमा बीमार है तो वाल तुम ये मंगन पिनन शुरू कर दी थी। जी हाँ सर। कदों कने मंगदा बताई? ऐसा बात जाए। क्या है? आ जाए। आ जाए पहला दीवार है। नहीं मुल्तान आए होता कितने दीवार थी गेन? मुल्तान आए दो दीवार थी गेन। मुजफ्फरगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ आए वदन जी में ए होर भी इन पे ए छोटा बच्चा रोंदा जरूर पे है मगर ए जदो ए करेंदे ए तमाम तो जे बेटा क्या ना है तेरा? परवेज। क्या क्यों मंगदा ही में तू? मंगदे गया नहीं जाजू ऐसा नाने अबोनिक मिलाने आए दे जा रही थी नाना बो सभी भी जेंदा बैठे आउडी गाँव आउने नहीं इतना इतना क्या करेंदा पे ही ए बने बिरा छोटा बिरा ही नहीं वजह ही हुआ उगड़े दे वजह ताऊ सब आ गया थोड़ी देर इधर तू सा मंगदे नहीं वे मंगदे गया नहीं आओ पूछवा मैं मेरे नाना बुझे ही बैठे छबी आला बिल्कुल इमे ही अजय है ना मंगन पीने वाले ए लोग इन पे ए माफिया है पिया पूरा ये तमाम तर चीजें इमे ही इन पे या इन्हें कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर गेन के गेंदा वासी ये तमाम तर चीजें इमे ही वाल इन्हें वालदैन आसेन इन्हें को जरा है ना मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जरा है ना इन्हें उत्ते लागू थी सी कानून जरा साड़ा आखद एक गल मैं अगर करा तो 16 साल तक जे बाल इन पे ओ जरा है ना ई माफिया दे विच आंदे इन चीज़ों में आंदे ये कंपेन पूरी की जाती है हम इन्हों को रेस्क्यू किया वैसे असा तमाम सेंटर भी जुलसूँ उतर कहसूँ कि यह किमें जरा सेंटर इन्ना को इन्हों की देखभाल की वैंती है लोग इतना कटे थी गए असा कि अगर कोई साकू दसना चाहे कि भाई कि क्यों ये मंगते ने या क्या करेंगे साकू शहरी जरा है पे उन्ना को जानना जरूरी है पे इन्ना दा किमें करना चाहिए असा राय एक दू शहर गिने बुजुर्ग जानते अच्छा ये जो बिकारी छोटे छोटे बाल हैं पे ये पींदे सही है गलत है? गलत ही है महंगाई की वजह है भी क्या गरीब बात नहीं महंगाई जड़ा है पिया वो क्या आखदी है कि तुसा अपने बालों को भेजो तो वो पिनवाओ नहीं मजबूरी कोली कोई पिंदे या खुशी नाल तो कोई नहीं पिंदा ना पाकिस्तान का जड़ा कानून है वो आखद है कि नहीं पीना चाहिए तो सही गल है बिल्कुल इवें ही तमाम तर चीज़ा पे हम अगू भी असा चलते से अगू असा सेंटर चलसूँ दिखैसूँ कि किमें इन्हों के नाल ट्रीट किया वह 16 साल तक के जोड़े बाल इन पे वो ई चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं 2 साल तक इन्हों के सेंटर रह सकते हैं वालदेन को एक गुजारिश करे सा कि अपने बालों का जरा ख्याल रखें तो ई जड़ा है ना जो पिन्न आए इन पे चीज़ा इन पे उ पाबंदी लावेन अपने अगर वालदैन आप बालों की तरबियत इवें करे सन तो माशा किमें चल सी इन्हों का कला कमा किमें थी सी शहरी भी परेशान होते हैं आप भी परेशान हैं चलते से अगू सेंटर से सेंटर में मजीद भी तो कुछ चीज़ा दिखाते थे कि वो किमें थे चलते से चाइल्ड प्रोटेक्शन जी बिल्कुल असा गाल करें पे थे अज जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया चाइल्ड प्रोटेक्शन आलिया ने ते असा उन्होंने ई ऑपरेशन के नाल हसे असा दिखाया कि किमें वालदैन की लापरवाही नाल जड़े है बल्कि आप जो बाल निके बाल इन पे उन्होंने फील्ड में भेजें कि वो मंग के आवेन पिन के आवेन ताकि उन्होंने एक जरा जरिए माश बनिया हुआ है वो इन्हों का एक कम है पिया रोज़ाना बनाते मगर ये पता क्या नहीं कि कानून दे वेच ए तमाम तर चीज़ा गलत इन पे असा जे अज ये बच्चे हैं पे ई टाइम असा आ गए थे ए ई सेंटर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के इतना हूँ इन्हों के कपड़े तब्दील किए वैसे इन्हों को खवाया पिवाया वैसे इतना रिहाइश दी वैसी बकायदा इन्हों के वल वालदैन आसन तमाम तर प्रोसीजर तो बाद इन्हों के वालदैन के हवाले किया वैसे साढ़े नाल जी अज ई ऑपरेशन की इंचार्ज हैं पे असा उन्होंने जानते से कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया किमें देंदे क्या ये सक्सेसफुल ऑपरेशन है या कहना तो जो बाल रेस्क्यू किए इन्हों के बारे में क्या आख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हमने आज जो हैं 4 बच्चे रेस्क्यू किए हैं और ये प्योर बेगर हैं यानी कि वो इस तरह से कोई चीज़ बेच रहे हैं कि जो कि भीख मांगने के स्टाइल में एक बच्चा है कि जो उसने कह रहा है कि मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी उसका ये है कि वो गाड़ी साफ़ करने के उसमें प्रॉपर नहीं कर रहा बस थोड़ा सा कपड़ा फेर के लेकिन उसने भीख मांगनी है किसी से भी सारे बच्चे किसी किस चीज़ को लेकर या वैसे ही प्रॉपर एक तरीके से भीख मांग रहे होते हैं तो ऑपरेशन आज सक्सेसफुल रहा है क्योंकि हम मार्केट में गए हैं घंटा घर गए हैं गुलगश्त मार्केट गए हैं तो बच्चे हमें जो हैं जो फीमेल बच्चियां हैं उन लोगों को हमने वार्निंग दी है बैगर्स बाकी जो बड़े हैं उनको वार्निंग दी है कि आइंदा वो हमें इधर नज़र ना आए और जो मेल बच्चे हैं उनको हमने रेस्क्यू किया है जो 15 साल से कम है।
अच्छा ये दसो कि ये जो बच्चे हैं पे इन्होंने जिम्मे एक बच्चा है पे और बार बार पहले भी रेस्क्यू थी आई अगर इवें बार बार बाल आते हैं तो वल इनका क्या प्रोसीजर है पे? यह है कि इनके पेरेंट्स से ना हम लोग एक स्टाम्प पेपर ले लेते हैं एफिडेविट जो होता है अगर बच्चा बार बार आएगा तो हम इसको अपने पास रखेंगे दो माह रखें तीन माह रखें तो वालदेन से कहते हैं अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो इसे हमारे पास एडमिशन करवा दें कि बच्चा मुलाकात के लिए अपने घर जा सकता है ठीक है छुट्टी पे एक दो दिन के लिए हमारा एक प्रॉपर स्कूल है हम उसे यानी कि स्कूल में भी भेजेंगे और इसके अलावा उसको खाना पीना उसके कपड़े और फिर जो है उसकी मज़हबी तालीम क्योंकि रिलीजियस टीचर भी आता है उसका मेडिकल उसका स्कूल सब कुछ यानी कि गवर्नमेंट उसे देखेगी बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफों चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा जरा देता है पे तर्जमान इन पे नवीद मुख्तियार साहब अस इन्ना कने जानते से कि ए बारे में कह अच्छा ये दसेसो कि इन्ना बालों का डाटा क्या है तो इतना वैसे रिहायश पजीर कितने बाल हैं इन पर जी टाइम साढ़े इदारे तकरीबन 60 तो ज़्यादा बाल साढ़े को रिहायश पजीर हैं जिन्हों को जरूरत जिंदगी की तमाम सहूलियात दी वन इदारे तरफों जो खाना पीना रिहायश तालीम दीनी तालीम स्कूल खेल की सहूलियात बच्चों को दी वन सैनिक काउंसलिंग बच्चों की दी वी है ये जिम्मे हम बच्चा असा रेस्क्यू करके गिना है इन्हों को अपना हम दवे सन नवे कपड़े पवे सन उन्होंने को खाना दे सन इन्ह की कटिंग करे सन इन्ह के साफ सुथरे इन्हों को कपड़े करके वाले इन्हें जहनी काउंसलिंग सवेरे साड़ी साइकोलॉजिस्ट करे कि बच्चे दोबारा फील्ड च ना आवन साड़ी कोशिश यह होंगी है कि बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और जो स्ट्रीट बैगिंग मुलविस होने रनअवे होने या रैक पिकर होने उन्होंने इतने गिन के आना एक उन्होंने माशरे का मुफीद शहरी बनाना सा मकसद है बिल्कुल मुफीद शहरी बनाने मकसद है परफॉर्मा जोड़ा है पिया इन्ह के ना इन दीज़ा ये तमाम तर यह पिया कि किमें अज कितने रेस्क्यू किए गए किमें इन पे ये बच्चा है पिया मुजफ्फरगढ़ तो ज आया हुआ इतना काम वास्ते ये दूजी वेरी आंदा पे मैं अक्सा बल्कि इन्ह की अगर जेबा में कोई चीज़ा देखो कि अगर क्या कहन पे जरा प्रोसीजर जोड़ा है पिया को मुकम्मल जाना करें ये जाना हूँ ये इन्ह का इंदराज जोड़ा है इन्ना थी गया है एक बच्चे दे कोल जोड़ा है पिया ये देखो किवें जाना इनकी जेब चु पैसे निकले ये इन रख देवे ये सारे ये जाना मंगे हुए जोड़े बच्चे ये आदि इन पे वालदैन जरा पैसे तो जरूर देखते हैं कि इतने पैसे असा जरा कमा के आते पैन ये पता नहीं कि ये कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे पैन जरा कि सरासर गलत है इ बाल की उम्र देखो अज तक ये स्कूल नहीं गया अज तक इन्होंने आख्या क्या नहीं इवें ही तमाम तर ये चीज़ा जारी रसन ये इन्हों के हूँ इंदराज ई सेंटर में थी गया है पिया ये हूँ बकायदा तौर पर कानून के मुताबिक इन्ह के वालदैन को छड़ के इन्होंने वालदैन के हवाले किया हुआ सी मैं ये प्रोग्राम में बस इतना ही असा एक मैसेज देना चाहूँ कि अपने वालदैन जड़े हैं पे वो अपने बालों का ख्याल रखें वो अपने बाला को दे उते नज़र रखें क्योंकि कानून की टाइम भी हरकत में आ सकता है तो 16 साल तक दे बालों को ये तमाम तर चीज़ करवावन गैर कानूनी है चाहे की अंदाज में भी करवावन मुल्तान एक बच्चा जरा झंगदा है पिया मुजफ्फरगढ़ का इवें दूर दराज तो आते मुल्तान से ये काम करें दे हुण इन्हां दे इन्हां को बकायदा तौर पर ट्रीट किया हुआ सी इन्हां को नवे कपड़े पवाए हुए सन तमाम तर चीज़ा किए हुए सी ई प्रोग्राम विच इतना ही अगले प्रोग्राम विच एक बारी वल तुहाड़ी खिदमत विच नवे टॉपिक नाल नवी चीज़ा नाल हाजिर थीसूँ अल्लाह सोने दे हवाले